Hello everyone, welcome to Physical Education Guru. Please like, share and subscribe my channel and press the bell icon ताकि जो भी notifications हैं वो आपको जल्द से जल्द मिले. तो students, जो हमारा आज का topic है वो है nature of physical education. ठीक है, तो ये जो हम JKSSB का कोर्स कर रहे हैं, JKSSB के फर्स्ट यूनिट में ये नेचर है फिजिकल एजुकेशन का. तो ये मैंने नहीं करवाया था, मैंने मीनिंग और स्कोप करवाया था. तो कमेंट में बच्चों के आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि नेचर भी करवाओ. तो ये मैंने इसीलिए नहीं करवाया था क्योंकि ये पेपर में नहीं आता है. तो लेकिन अगर आपको करना है तो कोई टेंशन नहीं है, मैं आपको करवा दूंगी ये. तो लेकिन इसको आपको ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं. तो स्टार्ट करते हैं हम. तो इंट्रोडक्शन है इसकी. नेचर, सबसे पहले नेचर का मतलब क्या होता है. हमने नेचर करना है फिजिकल एजुकेशन का. तो नेचर का क्या मतलब होता है. नेचर मींस बेसिक और इनहेरिएंट फीचर्स. ठीक है, फीचर्स को ही हम नेचर बोल सकते हैं या फिर करैक्टर. ठीक है, करैक्टरिस्टिक्स आ गई उसकी. एंड क्वालिटीज़ ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की क्वालिटीज़. अब देखो, फॉर एग्जांपल हम किसी बच्चे की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि इस बच्चे का नेचर बहुत अच्छा है या नहीं अच्छा है. तो बेसिक हम क्या बात करते हैं, उसके करैक्टर की बात करते हैं, उसके बिहेवियर की बात करते हैं. वो उसका नेचर गुस्से वाला है, वो ऐसा है. ठीक है, तो नेचर का मतलब क्या होता है, फीचर्स, करैक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटीज़. तो देयरफॉर इसीलिए फिजिकल एजुकेशन का नेचर जो है उसका मतलब क्या है, थिंग्स विच मेक्स फिजिकल एजुकेशन एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट. जो फिजिकल एजुकेशन को फिजिकल एजुकेशन बनाता है, जो उसको एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट बनाता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बनाता है अपने आप में. ठीक है, तो अब हम देखेंगे इसका क्या क्या फीचर्स हैं या फिर क्या क्या नेचर हैं इसकी. तो फर्स्ट जो फिजिकल एजुकेशन का नेचर है, इट मेक्स कम्प्लीट एनवायरमेंट फॉर लर्निंग. कम्प्लीट एनवायरमेंट बना देते हैं. मतलब अब देखो, जैसे आपको पता है कि आजकल स्कूल्स में क्या हो रहा है, आजकल स्कूल्स में प्लेवे स्कूल्स मतलब हो रहे हैं, प्लेवे एजुकेशन उनको मिलती है. क्यों मिलती है, ताकि पूरा एनवायरमेंट अच्छे से क्रिएट हो जाए, ताकि वो अच्छे से लर्न करें. ठीक है, नहीं तो बोर हो जाएगा, तो वो इतना उस चीज़ में एक्टिव नहीं रह पाएंगे. ठीक है, तो ये पूरा एनवायरमेंट, लर्निंग एनवायरमेंट क्रिएट कर देते हैं जो फिजिकल एजुकेशन है. ठीक है, इट डायरेक्ट्स स्टूडेंट्स. फिजिकल एजुकेशन का क्या करैक्टरिस्टिक्स है, क्या फीचर है, कि ये डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं बच्चों को. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने बड़ा बार देखा होगा, कभी इंपॉर्टेंस में ये पॉइंट आता है कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग जो कैपेसिटी है बच्चों की वो इंक्रीज होती है, या फिर जो फिजिकल एजुकेशन है वो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं. तो ये सारे किससे रिलेटेड है, ताकि वो कोई डिसीजन ले सकें. जैसे गेम्स में टैक्टिक्स वगैरह यूज़ करनी होती हैं, तो उनको मतलब वो डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है उनकी, वो अच्छी होती है. तो कोई भी डिसीजन लेना हो करियर के रिलेटेड या फिर कुछ भी, तो वो एक स्टूडेंट को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं कि आप यहां से ऐसे कर सकते हो या वैसे. ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा, इट इज अडॉप्टेबल. अडॉप्टेबल का मतलब है कि फिजिकल एजुकेशन एक इंजॉयबल सब्जेक्ट है. ठीक है, या फिर जब भी हम कुछ लर्न करते हैं फिजिकल एजुकेशन की हेल्प से, या लर्निंग प्लेवे मेथड के मतलब प्लेवे मेथड से लर्न करते हैं, तो अडॉप्टेबल, हम उस चीज़ को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट है, इट इज़ फ्लेक्सिबल. मतलब जो फिजिकल एजुकेशन है वो एक स्टूडेंट सेंट्रिक का बोल सकते हो कि वो स्टूडेंट सेंट्रिक है. ठीक है, तो स्टूडेंट सेंट्रिक में हमने स्टूडेंट्स को, बच्चों को देख के चलना होता है कि उनका मतलब वो उनकी नीड्स क्या हैं, उनकी इंपॉर्टेंस की, उनको इंटरेस्ट किस में है. तो हम वो चीज़, जो फिजिकल एजुकेशन है वो फ्लेक्सिबल होती है बच्चों के हिसाब से. ठीक है, नेक्स्ट है, इट मस्ट एनकरेज लर्निंग. ये लर्निंग को एनकरेज करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेवे मैथड से लर्निंग होती है या फिर कुछ भी, तो बच्चे एनकरेज होते हैं, उनको मज़ा आता है वो चीज़ करने में. जैसे एड्स आ रहे हैं आजकल पढ़ाने के लिए, ठीक है, इंटरनेट यूज़ हो रहे हैं, तो वो इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा, इट मस्ट हैव अ डेवलपमेंट अप्रोच. तो ये भी वैसे ही आ जाता है, डेवलपमेंट अप्रोच होती है इसकी. क्योंकि मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो जब प्लेवे मेथड से करते हैं, इंजॉयबल तरीके से करते हैं, उनकी मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों चीज़ों से वो प्रेजेंट होते हैं उस चीज़ में, तो वो डेवलप ज़्यादा करते हैं. ठीक है, जब भी बंदा फिजिकल और मेंटली दोनों से प्रेजेंट होगा, तो वो ज़्यादा उसका इंटरेस्ट भी क्रिएट होगा, और ज़्यादा जल्दी और अच्छे से उसकी डेवलपमेंट होगी, वो लर्न करेगा. इट प्रोवाइड फॉर ऑल
अब फिजिकल एजुकेशन जो है वो सभी के लिए है. क्यों? क्योंकि अब देखो फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे जिम में जाते हैं या फिर जो बच्चे ऐसे खेल रहे होते हैं, तो एक किस्म से हम वो भी फिजिकल एक्टिविटी बोल सकते हैं, फिजिकल एजुकेशन बोल सकते हैं. तो ये सभी के लिए होती है, ये नहीं है कि जिसने ये मतलब, और ये फॉर्मल तरीके से भी होती है, इनफॉर्मल तरीके से भी होती है. ठीक है, फॉर्मल तरीके से हम बोल सकते हैं जैसे जब एक पर्टिकुलर स्कूल में उसका करिकुलम है या फिर मतलब कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग ले रहा है, तो वो एक फॉर्मल तरीके से आ जाता है. बट अगर कोई ऐसे मतलब खेल रहा है या फिर ऐसे जिम में जा रहा है या कुछ, तो हम उसको इनफॉर्मल भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो फिजिकल एजुकेशन सभी के लिए होती है, क्योंकि इनफॉर्मल तो सभी कर सकते हैं ना. ठीक है, इनफॉर्मल सभी कर सकते हैं, तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से होती है. इट इज अ मीन टू प्रोग्रेस. मीन का मतलब हो गया आप वे बोल सकते हो या फिर टूल्स बोल सकते हो. ठीक है, इट इज़ अ मीन टू प्रोग्रेस. ये एक जरिया है जिसे हम प्रोग्रेस को गेन करते हैं. ठीक है, फिजिकल एजुकेशन से. ये फिजिकल एजुकेशन का नेचर ही ऐसा है कि फिजिकल एजुकेशन हमें प्रोग्रेस की तरफ ले जाता है, क्योंकि एक फिजिकल एजुकेशन में हमारी बॉडी की सारी जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो डेवलप होते हैं. तो जब सारे कंपोनेंट्स डेवलप होंगे, हमारी मतलब थिंकिंग पावर, हमारी फिटनेस, ठीक है, हमारा मतलब एडजस्टमेंट, सोशली एडजस्टमेंट जो हमने करना होता है, तो वो चीज़ें सारी डेवलप होती हैं फिजिकल एजुकेशन के कारण. फिजिकल एजुकेशन का ये नेचर है. ठीक है, नेक्स्ट है इट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़. ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करता है, क्योंकि एक फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में जाने की, उसमें एक्सपीरियंस लेने की, इतना हमें नॉर्मल एजुकेशन में नहीं मिलता है. तो फिजिकल एजुकेशन का ऐसा नेचर है कि वो हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने जब फिजिकल एजुकेशन में किया था, मतलब पहले तो मुझे पता नहीं था, बट जब हमने मैंने फिजिकल एजुकेशन में एडमिशन ली, तब मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हुई. फॉर एग्जांपल हमें बाहर खेलने का मौका मिला, ठीक है, या फिर मैनेजमेंट का हमें पता चला. जैसे हमने कभी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ऑर्गेनाइज करने हो कंपटीशन, तो हमें वो पता चलता है कि कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है, सारी चीज़ें कैसे मैनेज करनी है. ठीक है, तो जैसे इस फील्ड में, फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में हम स्पोर्ट्स मेडिसिन का भी पढ़ते हैं. ठीक है, तो और हम फिजियोलॉजी वगैरह साइंस भी पढ़ते हैं अपनी बॉडी के बारे में, तो इसमें काफ़ी ट्रैकिंग वगैरह होती हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स भी आ जाते हैं इसमें, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बहुत फील्ड होती हैं हमें, तो हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि हम इसमें से कुछ भी कर सकते हैं. इट वाइडन्स द मेंटल एबिलिटीज़. अब ये मेंटल एबिलिटीज़ को वाइडन करता है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि डिसीजन पावर होती है इसमें जब हमने टैक्टिक्स यूज़ करने हों, ठीक है, स्किल्स सीखनी हो, तो ये इन चीज़ों से हमारी मेंटल एबिलिटीज़ जो है वो इंक्रीज़ होती है. देन लास्ट है इट मस्ट बी रिस्पॉन्सिव. रिस्पॉन्सिव का मतलब है जैसे मतलब कितनी सारी, जैसे इंपॉर्टेंस में अगर आप पढ़ते हो तो कितनी चीज़ें, जैसे ये सोशलाइजेशन क्वालिटीज़ या फिर लीडरशिप क्वालिटीज़ या फिर मतलब जो टैक्टिक्स हैं हमारी, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वालिटीज़ हैं, ये सारी चीज़ें ये डेवलप करता है. तो ये रिस्पॉन्सिव है इन सभी चीज़ों के लिए कि फिजिकल एजुकेशन हमारी ये सारी चीज़ें जो है डेवलप करता है. ठीक है, ये इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिव है. तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें. थैंक यू.